क्या आपको शादी से डर लगता है? क्या आपको गैमोफेबिया के शिकार तो नहीं है? चलो इसके बारे में बात करते हैं, गैमोफेबिया क्या होता है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति देने में पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। गैमोफोबिया करके एक ऐसी एक फोबिया, ऐसी एक बीमारी है जिसमें व्यक्ति को कमिटमेंट करने में डर लगता है। वो कोई भी कमिटमेंट नहीं करना चाहता और वो दिखता है ज़्यादा शादी केस में। वो शादी में कमिटमेंट मतलब एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप कोई लड़की के साथ में करना नहीं चाहता है, उसमें अपने आप को प्रतिबद्ध नहीं करना चाहता है और उससे उसको डर लगता है कि नहीं भाई वो होना ही नहीं। अब जब लड़का ऐसा बोलता है तो उसको तुरंत हमारे पास में लेके आते कि क्या ये भाई आदमी में है कि नहीं है, क्या नपुंसक है, क्या क्या होमोसेक्सुअल है, क्या फिर इसका जल्दी गिर जाता है, क्या क्या उसका लिंग में कठोरता आती नहीं इसलिए ऐसा बोल रहा है, क्या गे है, क्या मतलब ऐसे कुछ अलग अलग प्रॉब्लम लेके हमारे पास में आते हैं। हम सब देखते हैं, फिर देखते कि भाई बाकी तो कुछ नहीं, तभी भी उसको गैमोफोबिया है, मतलब तभी भी उसको डर है। तो उनको जब पूछते हैं तो कुछ कुछ लोग ऐसा भी जवाब देते कि देखो शादी एक लड्डू है, खाने में तो बहुत मीठा लगता है, खाया तो अच्छा है और नहीं खाया तो पछता लेते हैं, दोनों भी प्रॉब्लम है। शादी नहीं किया तो मालूम नहीं शादी में कितने मजा आता है, क्या होता है, तो उससे दूर हो जाएंगे। शादी किया तो जिनकी शादी हुई है उनको जो तकलीफ हो रही है मालूम नहीं, उसका क्या करना, कैसे निपटाना। तो इस तरह का ये रहता है। और ये हम देखेंगे कि गैमोफेबिया जो उसके क्या लक्षण है, मतलब उसके कैसा दिखता है वो, या लोग कैसे आते हैं। तो नंबर एक, कमिटमेंट करने के विचार उनके दिमाग में आ गए, प्रतिबद्धता, दृढ़ निश्चय, निश्चय करना, तो उनके मन में घबराहट हो जाती है और वो डर जाते हैं, घबराते हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं रहता, फिर फोकस नहीं है उनका, एंग्जाइटी नहीं है, दिल में धड़कन हो जाती है। तो एक नंबर दो, कोई भी कमिटमेंट करने में बोलते मैं इनकेपेबल हूँ, असमर्थ हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं मुझे नहीं होगा वो, आई कैन नॉट कमिट, वो कभी कमिटमेंट ही नहीं करेंगे, और असमर्थ हूँ मैं, केपेबल नहीं हूँ ऐसा बोलेंगे। नंबर तीन, कभी कभी वो आक्रामक हो जाएंगे, नाम लिया ऐसा कमिटमेंट का तो आक्रामक हो जाएंगे, वायलेंट हो जाएंगे, चिढ़ जाएंगे, उल्टा पुल्टा कुछ बोल देंगे। नंबर चार, उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है, जैसा कि फोबिया, भयगंड, शादी का नाम लिया तो बहुत ही डर लगता है उनको, और डर के मारे फिर वो बात नहीं करेंगे लोगों से, अकेले बैठ जाएंगे, अकेले चले जाएंगे, जगह छोड़ देंगे। पाँच, उनको उसके साथ साथ चिंता मतलब एंग्जाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन ये भी होने लगता है और उससे भी वो परेशान हो जाते हैं। नंबर छः, कभी कभी वो कंट्रोल नहीं कर पाते खुद के ऊपर और फिर एकदम कुछ तो भी डिसीजन लेंगे, उल्टा पुल्टा डिसीजन लेंगे और हमको लगेगा ये कितना इनअप्रोप्रिएट कर रहा है, ये कितना इरिलेवेंट बातें कर रहा है, ऐसा कभी कभी हो जाएगा, कितना इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर कर रहा है, ऐसा भी होता है, उनका खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है। नंबर सात, उनको लगता है कि पार्टनर के साथ में वो मिलेंगे, पार्टनर के साथ में रहेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी और फिर कुछ डिमांड आ जाएगी, फिर तो उनको भय लगता है, उसका नाम भी लिया पार्टनर का और मिलना भी बोला कि पार्टनर को मिलना है, तभी भी उनको बहुत डर लगता है, या कोई लड़की को मिलना है तो उनको डर लगता है कि भाई वो इमोशनली इन्वॉल्व तो नहीं होंगे। नंबर आठ, वो छोटी छोटी बात के ऊपर भावुक हो जाएंगे और उनको रोना आ जाता है। तो इसके अलावा उनको सीने में दर्द, हेडेक, फिर जी मचलाना, सांस अटक जाना, ऐसे अटैक का भय लगना कि भाई हार्ट अटैक हो जाएगा ऐसा लगता है। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या है? इसकी ट्रीटमेंट है, नंबर एक, ये लोगों ने खुलकर बात करनी चाहिए, या हम साइकोथेरेपी उनको बोलते हैं कि भाई खुलकर बात करो। एग्जैक्टली शुरुआत कहाँ से हुई? क्या फिजिकल एब्यूज़ हुआ? क्या सेक्सुअल एब्यूज़ हुआ? क्या दिमाग में ऐसी क्या चोट बैठ गई कि ऐसा हो रहा है? क्या आपने पहले ऐसा कुछ कमिटमेंट किया था और वहाँ बहुत पछतावा आ गया या पछताना पड़ा है, बहुत मार पड़ गई, क्या हुआ क्या? फिर हम इसमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करते हैं और पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके पीछे 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 ले जाते हैं उनको, पास्ट लाइफ में निकालते हैं कि क्या हो गया। तो हिप्नोसिस, हिप्नोथेरेपी देना पड़ता है कुछ लोगों को, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी देते हैं कुछ लोगों को, दवाइयाँ भी देते हैं। दवाइयों में एंटी एंग्जाइटी, एंटी डिप्रेसेंट्स जो दवाई है वो देते हैं, उससे बहुत ऐसा फ़ायदा होता है। यूजुअली साइकोथेरेपी करके उनका भय निकालना, डर निकालना, रिलैक्स करना, रिग्रेशन थेरेपी करना, इसमें उनको अच्छा फायदा होता है और वो शादी कर लेते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो तमाम वो लोगों को शेयर करो,
कि जो शादी से डर रहे हैं, कमिटमेंट नहीं करना चाहते, नौजवान है, माँ बाप परेशान है मगर उनको डर लगता है, तो उनको जरूर शेयर करो, ये चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। आप आपका ख्याल रखो, आपके परिवार का ख्याल रखो, क्योंकि आप बहुत बहुमूल्य हो। थैंक यू वेरी मच।